हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलिमास किचन। आज मैं लेकर आई हूँ इंस्टेंट हरी मिर्च के अचार की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट हरी मिर्च के अचार के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम मोटी हरी मिर्च ली है, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इनके डंठल हटाकर इनको दो पीसेस में कट करेंगे और बीच में से चीरा लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारी मिर्च काट लेंगे। हमने सभी मिर्च को काट लिया है। यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया, एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक बड़ा चम्मच राई, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। अब एक पैन गरम करें, उसमें कटी हुई हरी मिर्ची डालें और धीमी आंच पर हल्का सा भून लें। ढककर 2 मिनट के लिए पकाएं। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ हम इंस्टेंट अचार बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने मिर्च को हल्का सा पका लिया है। हरी मिर्च हमारी अचार के लिए रेडी हो चुकी है। अब गैस बंद करें और उनको अच्छे से ठंडा कर लें। एक पैन गरम करें और उसमें साबुत धनिया और सौंफ डालें और धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए भूनें। सौंफ और धनिया अच्छे से भुन चुका है। अब इसको ठंडा करके मोटा मोटा पीस लें। यहाँ हमने हरी मिर्च को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसमें पिसा हुआ सौंफ और धनिया का पाउडर डालें। साथ ही राई, 1 पिंच हींग, लाल मिर्च पाउडर, नमक और अमचूर पाउडर डालें। अच्छे से मिक्स करें। एक पैन गरम करें, उसमें सरसों का तेल डालें और तब तक पकाएं जब तक कि उसमें से धुआं ना उठने लगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और उसमें से धुआं भी उठने लगा है। अब गैस बंद करें और उसमें हल्दी पाउडर डालें। इसको तुरंत हरी मिर्च में डालें। अच्छे से मिक्स करें। मसाला हरी मिर्च पर अच्छे से लिपट जाना चाहिए। लीजिए, हमारा इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार रेडी है। अब इसका मजा लीजिए।